साथियों, चंपारण का, बिहार का ये हिस्सा थारू जनजाति के साथियों के तप, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। थारू जनजाति की पीढ़ियों ने भाजपा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। थारू समुदाय की पीढ़ियों ने जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबा इंतजार किया। दशकों तक देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ थारू समाज की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें नीतीश जी भी मंत्री थे। यह अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने थारू समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया था। भाइयों और बहनों, जनजातीय समाज को अधिक से अधिक अवसर मिले, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ये भाजपा की एनडीए की प्रतिबद्धता है। बीते सालों में जनजातीय समाज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सारे काम किए गए हैं। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल को निखारने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। आदिवासी नायकों के सम्मान के लिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर के बिरसा मुंडा जैसे लक्षावधि लोगों ने मातृभूमि की आजादी के लिए कष्ट झेले, तप किया, इन सबको, देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसे मेरे आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए म्यूजियम से लेकर हर प्रकार के प्रयोगों का, हर प्रकार के प्रयासों का एक सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश है कि यहां की थारू जनजाति, उरांव जनजाति और देश की हर वनवासी भाई बहन समृद्धि और सम्मान से अपना जीवन यापन करे। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के साथ ही यहां इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इनके विकास के लिए भी निरंतर काम कर रही है। इससे यहां के स्थानीय युवाओं के लिए, थारू जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। भाइयों बहनों, जनजातीय समाज देश की सुरक्षा, समृद्धि और संस्कारों के संरक्षक रहे हैं। ये चंपा अरण्य तो रामायण काल से ही इसका जीता जागता साक्षी रहा है। जनजातीय समाज ने हर कदम पर प्रभु राम का, माता सीता का साथ दिया, इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार भी हमारे वनवासी साथी पीढ़ियों से कर रहे थे। आज पूरे देश के सहयोग से, जनभागीदारी से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस समय भी आपको उन लोगों को नहीं भूलना है जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण में अड़चने खड़ी कर रहे थे।